ग्वालियर में गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री पुलिस वहाँ पहुँची और मेजर को अपने हस्बैंड को गाड़ी में उठा के ले गए कि ये क्राइम ब्रांच से है। कोशिश की, उसने मुझे धक्का मार दिया। मेरा हस्बैंड मुझे बोल रहा था मुझे बचाओ। पुलिस वालों की मेजर गिरी और फौज गिरी तेरे अंदर इस प्रकार का मतलब किया है। बेरेमी से पुलिस वाले किसी गुंडों को नहीं मारते हैं। बेरेमी से मेरे साहब को मारा गया, आपको दिखा रहे थे चोट अपने, वो चल नहीं पा रहे एक पैर से। जहन दोस्तों, अभी आपने कुछ वीडियो देखे और वीडियो हैं ये वहाँ यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके रेजिडेंस के वहाँ पर हमारे स्टेशन कमांडर हैं ग्वालियर कैंटोनमेंट के, और वो मेजर साहब है जिसके साथ अभद्रता की गई है, जिसके साथ मारपीट की गई है, वो आशीष चौहान है मेजर, और उनकी पत्नी के साथ किया गया है। यानी पत्नी के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है और उनकी पत्नी को रोता देख करके मैं खुद वहां पर था। पूरा हमारा ग्वालियर के 500 भूतपूर्व सैनिक थे और नेताजी से गुहार लगा रहे थे कि अब तो हद हो गई है, और वो भी ग्वालियर चंबल संभाग में, यहाँ पर हर घर में फौजी है, और वहां पर पुलिस कह रही है कि मैं आपकी मेजरगिरी घुसेड़ दूंगा। और उनसे सिविल ड्रेस में जो पुलिस है उनकी, अब जो उसी तरह कौन है वो, उनको उठा के ले जाते, मोबाइल छीन लेते हैं। इतनी अभद्रता दिखाई गई है। और ये वीडियो, अब ये मामला उतना आसान नहीं रहा है, आप समझ सकते हो, पूरा जोश गुस्सा है, जोश नहीं है गुस्सा है, लेकिन अनुशासित हैं। हम सम्मान कर रहे हैं मंत्री जी का, बिल्कुल हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे स्टेशन कमांडर साहब शांति से बैठे हैं, वहां पर पुलिस का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, सिर्फ जो मेजर साहब हैं अब मंत्री जी को अपनी बात रात में हुआ इंसिडेंट सुना रहे हैं। स्टेशन कमांडर साहब अब कह रहे हैं कि शायद मैंने ये ऐसा कभी सुना नहीं होगा कि जब कोई अपनी आइडेंटिटी देता है आपके पुलिस वालों को, या अधिकारी हैं वो कर्मचारी हैं, उसके बाद जो उनका एक्शन होता है, जो उनका एक्शन होता है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि उसकी वाइफ को, जबकि सेना के अंदर एक कोई किसी वाइफ को तू करके तुम करके भी नहीं हम बोलते, इतनी रेस्पेक्ट होती है, चाहे जवान की वाइफ है कहीं भी है, यदि इतनी बात पे तो आदमी को घर भेज दिया जाए। लेकिन आपका यहाँ ये जो रवैया है, फिर वो एक सेना का अधिकारी, के जिम्मेदार अधिकारी, उसने कोई क्राइम तो नहीं किया है, उसकी गाड़ी में एक गाड़ी जाकर ठोकर मार के चली जाती है, और जब वो उसका पीछा करता है, पुलिस से हेल्प मांगता है, तो बदतमीजी करता है, क्या उससे इतना भी नहीं कहा जा सकता? क्या पुलिस बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं की देखभाल के लिए रह गई है? ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसा सिस्टम? आपने जयपुर देखा, और यहां पर वो बात नहीं, यहां पर ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा, जब हमें समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने काफी जोरदार नारेबाजी की, हमने कहा हमें न्याय चाहिए। और जहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे फौजी जो हैं जनप्रतिनिधि हैं संगठनों के, जो अपने अपने मीडिया में कुछ वीडियो आप सुन रहे होंगे, उन्होंने क्या कहा है। इसके बाद उन्होंने कहा हम सर्किट हाउस में, इस आर्मी के आला अधिकारी यानी स्टेशन कमांडर हैं, उन्होंने कहा हम भोपाल से परमिशन लेंगे, बिल्कुल हम प्रोटोकॉल और अनुशासन के हिसाब से अपना काम करेंगे, और उनसे बात करते हैं, हम विचार विमर्श कर देंगे, डीआईजी लेवल के एसपी बात होगी, और जो इनके साथ हुआ है दोषी पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन तत्काल कहने के लिए वो शायद उतना नहीं कह पा रहे थे, और बहुत एक एक पता है यहाँ का जो सैनिक है और कितना गुस्सा में था कि उसको अपनी गुस्सा इमोशन कंट्रोल करना नहीं आ रहे थे। वो बोल रहे थे कि वो भी बल है, वो पुलिस बल है, तुम फौज का बल है, बल हम सिर्फ दुश्मनों को दिखाते हैं, वो देश के दुश्मनों के, हम अपने दुश्मनों को नहीं दिखाते, हम इंटेंशनली किसी को परेशान नहीं करते। ये जहां बात ताकत की और जहां उन्होंने अभद्रता की, इतना हमें भी आता है, ताकत है, यहां भी हम 500 खड़े, हम चाहे घुस जाएंगे कहीं भी घुस जाएंगे, ये कह दिया था मंत्री जी। आप समझ सकते हो कि आप भी इसी इलाके से हो, आप भी फौजियों के बीच से हो, आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, आपको समझना होगा। आज ये मेजर साहब है, कल और कोई, कल तीसरा चौथा, क्या हो रहा है? ये मामला यहां का है, ये मामला आर्मी उस चैनल पे भी आगे गया है, लेकिन नहीं, हम यदि हम कोई गलती करते, यदि हमारे से हम चलो ड्रिंक करते या कहीं कुछ बात हो जाती, जवान है अफसर है, कर सकते थे, लेकिन आपने एक महिला को रोते हुए आपने धक्का दिया, उन्होंने बोला बुजोर से मुझे कार पकड़ के नीचे गिरा दिया, क्या ये सही है? ये अपमान हम कभी नहीं सहन कर सकते, ये सेना की सिखलाई में तो कतई है ही नहीं। और कोई भी जो सच्चा सैनिक होगा, मुंह से न बोल पाए, कर ना पाए, लेकिन अंदर उसको गुस्सा आएगा। जैसे कि स्टेशन कमांडर के चेहरे को मैं देख रहा था, मैं वहां पर खड़ा था, तमाम बातें हो रही थी, क्यों कुछ चीजें सामने लाना शायद उतना सही नहीं है, क्योंकि हम एक सैनिक हैं, हम एक्स सर्विसमैन हैं, लेकिन हमारे अधिकारी हैं वो प्रोटोकॉल में, हम चाहते हैं
कि हर चीज को हम बिल्कुल नियंत्रण में रखें और इस बात को जोर शोर से उठाएंगे। ये वहां पर सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम सड़कों पे जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, सारी चीज करने को तैयार हैं। यानी जो भी हम लोगों का जो भी उन्होंने करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज अब बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह का शोषण हम नहीं कर सकते। आप वीडियो देखें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों। धन्यवाद। चलो कार्रवाई हो जाएगी उनपे, लेकिन आए दिन ऐसी फिर घटना होगी। इस पे मैं तो कहता हूँ पुलिस प्रशासन के जो आईजी या जो भोपाल बैठे जो बड़े अधिकारी हैं, वो पुलिस प्रशासन के जवानों को, उनके अधिकारियों को ये निर्देश और ये उनको सिखलाई दें कि आपको जवानों के साथ, मतलब जवान एक आम जनता के साथ भी कैसा बिहेव करना है। और हम ये नहीं बोला ठीक है सेना का, वो तो मेजर है हम लोगों के, मतलब बहुत जैसे यहाँ सिविल में जैसे एसपी और एडिशनल एसपी की रैंक के बराबर के हैं वो। अगर यहाँ के जो अपने अगर पुलिस का प्रशासन के अधिकारी कोई हमारे फौज में आता है, बड़े सम्मान के साथ उनको बिठाते हैं और सम्मान देते हैं, लेकिन हमारा अधिकारी अब पुलिस के जवान के सामने वो बोल रहा है कि मैं मेजर हूँ तब भी ऐसी बातें कर रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा, आप अभी मेजर साहब निकलेंगे तो आप उनको देख लेना, इतना बेरहमी से पुलिस वाले किसी गुंडों को नहीं मारते हैं। इतना बेरहमी से मेजर साहब को मारा गया, आप दिखा रहे थे चोट अपने, वो चल नहीं पा रहे एक पैर से, जबकि उन्होंने पहले ही दफा जब वो मिले तो उन्होंने तभी बोला था कि मैं फौज का मेजर हूँ। आप फौज के मेजर को ऐसे डंडों से मार रहे हैं, क्या क्राइम उनका? ये एक बड़ा सवाल उठा है। फौज को गलत टिप्पणी दी, मैं आपके न्यूज चैनल पर नहीं बोल सकता, गाली दी है और उन्होंने साहब ने कहा कि मैं फौज का मेजर हूँ, तो इनकी जो भाषा थी पुलिस वालों की मेजर गिरी और फौज गिरी के अंदर इस प्रकार का मतलब किया है। मेजर साहब के पैर में हमारे चोट लगी हुई है, पैर में बहुत उन्हें पटाई दी है, महिलाओं को ज्यादा बर्बरता की है, इसकी हम मांग करते हैं आज पूरे मध्य प्रदेश में इसका आंदोलन होगा। और इन जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम जांच करवा रहे हैं, सर्किट हाउस बुलाया है, सभी आईजी एसपी सबको बुलाया है, हमारे जो सेना के कमांडेंट आ रहे हैं वो भी आ रहा है, इसमें मध्यस्थता रखी जाएगी। और हमारे साथ ये जितेंद्र भदौरिया जी, ये सैनिकों के कद्दावर लीडर रहे ग्वालियर के, तो भदौरिया जी इस तरह ये फौजियों के साथ हैं, भिंड हो, ग्वालियर, मुरैना, आए दिन ये बर्ताव हो रहा है शहीदों की धरती पे, ये पुलिस का रवैया कितना सही लग, क्या है ये, क्या हो रहा है ये? जय हिंद, जय भारत। मैं संभाग चंबल संभाग के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भदौरिया सभी पुलिस सैनिकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो हमारे मेजर आशीष सिंह चौहान है उनके साथ जो अभद्रता की गई है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आपको पता है मेजर साहब है, मेजर साहब के बारे में आपको बताऊँ तो 117 इंजीनियर से हैं और उनके साथ इतना अत्याचार किया, उनके साथ उनको नीचा दिखाया गया, उनके साथ उनकी मारपीट, और उनको कुछ 5-6 लोग सिविल ड्रेस में आते हैं उनको लेके चले जाते हैं और डाल के एसपी साहब के ऑफिस में ले जाते हैं और उनके साथ अभद्रता करते हैं। मैं सभी से बहुत निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि सभी सैनिकों का जय हिंद जय भारत। और ये जिस तरह का आज बहुत जमावड़ा है, माननीय मंत्री जी साहब आ गए हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
और माननीय मंत्री जी आ गए हैं और अभी यहाँ पर जो घटना हुई है, सेना के जो अधिकारी आशीष चौहान के साथ में जो मारपीट की गई है, चंबल की भूमि है, वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, और यहाँ पे इस प्रकार की घटना किया जाना बड़े ही माननीय मंत्री जी अपनी समस्याओं को जिस तरह रख रहे हैं,